काफी टाइम बाद मैंने कुछ कलर में पहना था, वैसे सिल्वर या गोल्डन में जा रही थी, तो आई रियली लाइक इट, मोर लग रही हूँ. थैंक यू, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है. आप सब बताइए कि आप सबको कैसा लगा. मुझे जितना प्यार मैं इंस्टाग्राम पर देख पा रही हूँ उतना तो डेफिनेटली आई एम लविंग इट, एंड आई होप कि ऐसे ही प्यार मिलता रहे और आप लोग भी बहुत सारा प्यार मिलो दो और काफ़ी सारी रील्स भी बनाओ. किससे? सॉन्ग के लिए? ओ दे ऑल वर वेरी हैप्पी, सबको बहुत अच्छा लगा. तो आप सबने देखा होगा, तो आपने देखा कि हमने एक्चुअली कितना मज़ा किया होगा उस शूट में, बिकॉज हम लोग वी वर शूटिंग इन हिमाचल, इतना प्यारा व्यू था, सो इट वॉज वेरी फन. सब बहुत खुश हैं और हमारा एक्चुअली काफ़ी टाइम बाद में सॉन्ग आया, तो इवन वी वर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. बस दैट्स इट. इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट जितना क्लिप्स आता है इंस्टाग्राम पे वो मैं देख लेती हूँ. अभी तो ऐसा सच कुछ नहीं पता, बिकॉज मुझे जब पूरा साइड ही नहीं पता तो आई कांट कॉमेंट. आई डोंट सपोर्ट टू वायलेंस, कभी नहीं करती हूँ मैं. मतलब मैं रूल तोड़ना या वायलेंस को सपोर्ट नहीं करती, बाकी मैं किसके साइड हूँ बिकॉज आई डोंट नो द स्टोरी, सो आई कैन नॉट से एनीथिंग, बट आई डोंट सपोर्ट जो भी हाथ उठाना है ये. चलो ना अभी यहीं स्टार्ट करेंगे. थैंक यू. भाई भाई फर्स्ट मार भाई, सामने देखो इधर सामने भाई, यहाँ पे आप नीचे कर रहे हैं पॉइंट में. करण भाई यहां पे, हाँ जी, हाय, ये लाइट ज़्यादा है ना. हाँ तो ऊंची तो बोल थोड़ी सी. आई थिंक वी बी नॉमिनेटेड फॉर टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया, एंड बहुत मेहनत लगी है उसमें, एंड मेरी टीम है पूरी, हमारे जितने भी लोग थे बिहाइंड द कैमरा, चैनल से, प्रोडक्शन हाउस से, सब यहाँ पर हैं, तो मैं उनके साथ आया हूँ. शुक्र है. मुझे लगता है इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू बी योर सेल्फ, यू नो, एंड आज की डेट में यू नो, जितना सोशल मीडिया बन चुका है और जितना एक्सपोजर है, लोग हमें, हम कैसे हैं रियल लाइफ में वो जानते हैं. सो आई थिंक जस्ट बी योर सेल्फ एंड इफ पीपल लाइक यू. हाँ जी, आप कहीं घूम फिर के बिग बॉस भी ले जाओगे मुझे पता है. जी जी जी, यस. आई थिंक इंडिया का नंबर वन शो बन गया, वो 1.9 बहुत अच्छी बात है, इन सबकी मेहनत है. इट्स समथिंग दैट्स वेरी अनयूजुअल, एक नया फॉर्मेट था, ट्राई कर रहे थे, चल पड़ा. आई थिंक वो उसी का नाम इंडस्ट्री है. अभिषेक भाई यहाँ पे
भाई हो गए दोनों मार्क हो गए। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से है, कहीं से भी हमला हो सकता है। पूछो भाई पूछो। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आई होप कुछ अच्छा अवार्ड ही मिले मेरे को। फैमिली फ्रेंडली पूछना। मैं काफ़ी अच्छा लग रहा है, जोर की बरसात यहाँ पर, ऐसा लग रहा है मैं जोर की बरसात का पीयर करने आया हूँ। बट अगर किसी ने नहीं देखा तो ज़रूर देखना, बहुत अच्छा प्यार दिया सबने। 3 दिन में 12 मिलियन, वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग नंबर 1 था 24 आवर्स के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, थैंक यू सो मच। पहली बार डांस कर रहे थे गाने में, कितना कब लग रहा था डांस करना? तुम्हारे को कैसा लगा मेरा डांस? अच्छा लगा, तो मतलब मैं कर सकता हूँ। लेट्स गो। मैंने भी 100 टेक में किया। नहीं, मैंने भी करा, 1-2 टेक में ही करा। ये इजी स्टेप था और सबको करना चाहिए। अपने घरों पे रीले बनाओ उस गाने पे और वायरल करो उस गाने को और अच्छा लगे। हाँ हाँ भाई, तू और मैं साथ करेंगे कपल पार्टी। मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट इस सीजन का गौतम गुलाटी, आई होप ही विंस। ओ इस सीजन में नहीं है, ओ शिट मिस हो गया। अभी देख के बताऊंगा कौन मेरा फेवरेट है। ये अवार्ड शो चल रहा था या बिग बॉस का क्वेश्चन आंसर, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा तो अभी भी नाता ही मैं जानना चाहता हूँ आपको क्या कहना है इस बात में। मैं सच में जानना चाहता हूँ फॉलोवर किसकी फाइट हो रही है, मुझे पता ही नहीं। थप्पड़ वाली कॉन्ट्रोवर्सी मुझे पता है, बट वो सब नहीं पता मुझे। मैं इस बात में कहना चाहूंगा कि मेरी तलवार तैयार है, सबसे पहला गला मैं ही काटूंगा। मुझे क्या पता, तेरे को कुछ पता ही नहीं है किसकी क्या लड़ाई हो रही है। मैंने उस बारे में एजाज वाली बात में मैंने पहले भी बोला था कि अभी यूट्यूबर्स रोस्ट नहीं कर रहे हैं और बहुत फैमिली फ्रेंडली रोस्ट करते हैं। अगर दो आज से अगर 6-5 साल पहले जाओगे तो रोस्ट ब्रूटल होते थे, अब बहुत प्यार से रोस्ट होते हैं। अब उस पुरानी चीज़ों को उठा के कॉन्ट्रोवर्सी करना कोई सेंस नहीं बनाता। और ये गुंडागर्दी कोई नहीं होता, सबसे बड़ा गुंडा पुलिस ही होती है। अगर ये जितनी मर्जी कर ले लड़ाई लुड़ाई, ये बात क्या था तो लोकेशन पे जाओ ना, क्या कर रहे हो। उस वाली कॉन्ट्रोवर्सी पे मैं यही कहूँगा कि बहुत ही गलत हुआ। रूल्स शुड बी रूल्स। अगर बिग बॉस के रूल्स है कि अगर थप्पड़ पे एलिमिनेशन है तो वो होना चाहिए, मेड बी एनीवन। बट दैट सैड टू सी विशाल को रोज सुबह उठ के वही शक्ल देखनी पड़ रही है जिससे उसने पिटाई खाई है थोड़ी सी। बट दैट सैड, बस यही कहना चाहूँगा भाई। कोई ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी है जो छोड़ोगे? कुछ तो भाई, कुछ तो छोड़ो। मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं आ रहा हूँ ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच। Shadi
यस हाय हाय कैसे हैं आप लोग बताइए. थैंक यू. सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम विद टेली चक्कर अवार्ड. सो कंग्रेचुलेशंस टू देम एंड द होल टीम एंड थैंक यू सो मच. इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर एंड ऑल द वेरी बेस्ट. मे टेली चक्कर ग्रोज मोर एंड मोर. दिस इज माई होप एंड माई विश. कौन आ रहा है? सो यू नो इट्स बेसिकली इट्स लवली एंड मेरे को इतना प्यार मिला सॉन्ग का. यू नो सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम गेटिंग सो मच लव. हाँ वन टेक में किया था मैंने. कैसा था? थैंक यू थैंक यू. लगता है फोकस मुझसे ज़्यादा बैक पे. हाँ जी. हेलो हेलो कैसे हैं आप सब? हाँ एक नया नाम मैं वेट करती हूँ अब तो कि इस बार मीडिया मुझे क्या नाम देगा. गाढ़ा टमाटर क्योंकि मिर्ची आपने दे दिया था तो इस बार टमाटर. आई थॉट आई एम द चेरी ऑन द केक. हाँ जी थैंक यू. सी आई थॉट रेड कारपेट है तो यू नो मुझे भी कुछ ऐसा ही पहनना चाहिए रेड. एंड हमेशा ही अच्छा लगता है बिकॉज यू नो OTT अवार्ड्स इज समथिंग दैट वी गाइज लुक फॉरवर्ड टू एंड ऑल द बेस्ट. एंड अभी तो बस आई हूँ अभी अंदर जाना बचा है. आज मैं अवार्ड लेने नहीं आई हूँ आज देने आई हूँ. जी बस अभी पिछले चार दिनों में दो बहुत ही सुपर हॉट बारिश के सॉन्ग शूट किए हैं एंड एक तो आई थिंक 10 दिन में ही आ जाएगा एक उसके बाद. तो आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि बारिश में रोमांस नहीं हो तो फिर बारिश खाली चली जाती है तो इस बार नहीं जाएगी. क्या मोर? आई थॉट यू एक्साइटेड टू नो अबाउट मी. हाँ जी आई थॉट एक एलिमेंट तो हमेशा होना चाहिए जैसे मैं स्टैंड आउट करूँ तो बैक भी. एंड थैंक्स टू माई फेवरेट ओशियाना हमेशा मेरे साथ होते हैं. थैंक यू. बिल्कुल अब फॉलो ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि अदनान गए हैं एंड मेरे बहुत ही बहुत क्लोज करीबी हैं एंड नॉमिनेट हो गए हैं तो आए जिस हो. वैसे मुझे नहीं लगता क्योंकि शेर हैं अदनान दोस्तों के दोस्त हैं यारों के यार हैं एंड मुझे नहीं लगता कि वो नॉमिनेट होके एलिमिनेट हो जाएंगे. एंड ऑल द बेस्ट अदनान का गेम अब मैं देख रही हूँ और मुझे लग रहा है अब मज़ा आ रहा है गेम में. एंड नेजी और उनकी जो दोस्ती है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है. आई थिंक उसकी वजह से वो दोनों सामने आ रहे हैं. एक बहुत अच्छा लग रहा है उनकी दोस्ती देख के. एंड आई एम लाइक आई फील सो सैड अरमान और ऐसे लोग जो बाहर की बेफालतू की बातें ला के शो को ख़राब कर रहे हैं. मुझे लगता है शो में रह के आपको शो की बातें करनी चाहिए. तो आई फील सैड फॉर सच पीपल बट ऑल द बेस्ट टू अदनान एंड आई एम श्योर वो इसमें टिके रहेंगे. आज आप पहले आकांक्षा बोल ये तो अभी से फिसल रहे हैं. बोलिए. जी आई थिंक अदनान भी ऐसी बार की बहुत सी बातें हैं जो आई एम श्योर वो सुनना नहीं चाहेंगे ला सकते थे शो में. बट जैसे कि अदनान है मैं उन्हें जानती हूँ ऐसा नहीं करेंगे. उन्हें पता है वेयर टू ड्रॉ द लाइन और बहुत ही प्यार से खेलेंगे दिल से खेलेंगे एंड बहुत रियल है एंड आई नो वो ऐसे ही रहेंगे गेम. ऐसी खबरें चल रही कि अदनान
नहीं नहीं नहीं, वो उनकी शादी होती है और मैं नहीं जाती, ऐसा होता ही नहीं, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नहीं, खबरें तो बहुत सी चलती रहती हैं, खबरें हैं तो चलेंगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अदनान बिल्कुल सिंगल है, मतलब वो मैरिड नहीं है, एंड आई एम श्योर जब उनकी शादी होगी वो तो हम सबको बुलाएंगे। या चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू। थैंक यू फ्रॉम योर रेड टोमेटो। बहुत इंस्पिरेशन मिलता है जब लोग आपके काम को नोटिस करते हैं और उसको ऑनर करते हैं, तो अच्छा तो लगता ही है। मिर्ज़ापुर की ऑडियंस इतनी लॉयल ऑडियंस है कि हमें बहुत बढ़ावा मिलता है, हर सीज़न के साथ हमारा प्यार बढ़ते ही जाता है, तो हम बहुत खुश हैं। सॉरी, अगर अवार्ड्स हैं तो मोटिवेशन है, लेकिन नहीं भी है तो हम काम चला लेते हैं, ऐसा वो कैरेक्टर ऐसा है कि हर सीज़न में कुछ अटपटा कर जाता है, मतलब कुछ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसके बारे में, तो हर सीज़न बिना नए रंग लेके आती है, तो ये सीज़न भी नए रंग लेके आई है। बहुत सारे नए शोज़ रिलीज़ हो रहे हैं, डेली क्राइम सीज़न 3 की शूटिंग शुरू होने वाली है, एक दो तीन नए शोज़ किए हैं, एक अप्लॉज के साथ है, एक के मैनर और रणवीर शौरी के साथ है, जो शायद अगली रिलीज़ वही होगी। थैंक यू। अरे वो यार नीचे रखना, बस मैडम जी यहाँ पे
आजकल यहाँ पे कहाँ पे सर यहाँ पे सामने देखिए सर सेंटर सर एकदम सामने देखिए सर यहाँ पे पहले सर आ जाए थैंक यू सर आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड एवरीवन हु इज नॉमिनेटेड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हु विंस एन अवार्ड मुझे बहुत अच्छी लगी बहुत टाइम बाद आई थिंक ऑडियंस को पुल करने के लिए एक मसालेदार कॉमेडी विद अ लिटिल बिट ऑफ अ मैसेज एंड ऑनेस्टली मैं तो आनंद को सपोर्ट करने गया था जो डायरेक्टर हैं फिल्म के एंड आई थिंक विकी इज़ फैंटास्टिक मैन हिज कॉमिक टाइमिंग एमी हाउएवर यू वांट टू प्रोनाउंस इट So I think it's fantastic. Overall, I love the film. And this is for the audience के लिए जो भी आने वाला है आपकी तरफ से. मेरी एक सीरीज आने वाली है, तो उसके लिए I'm excited. क्या बोल रहे? Any hints? It's a series. Hint क्या दूँ यार तुझे? मैं script भेज देता हूँ घर पे. और क्या करूँ? I don't know, dude. I really don't know, but I think I'm nominated for a couple of categories here. Yes. अदिति जो भी करती है अच्छी तरह करती है शी इज वेरी वेरी टैलेंटेड वेरी हार्ड वर्किंग तो आई विश ऑल द बेस्ट तुम ऐसा चलेगा तो मैं जरूर जाऊँगा थोड़ा और मिस कीजिए थोड़े टाइम बाद कुछ और चीज़ आ रही है उसमें देखिए थैंक यू यू हैव टू गो फ्रॉम हियर देन बहुत अच्छा लग रहा है इंडियन टेली स्ट्रीमिंग अवार्ड्स हर साल होता है बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर सही कलाकारों से मिलेंगे आई थिंक बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेटेड है How important are awards like this?
अच्छा लगता है यार, आप मेहनत करते हैं, इतना वक्त लगता है कोई भी शो या फिल्म बनाने में, तो जब आपके काम की सराहना होती है तो बहुत अच्छा लगता है। आएगा इस साल आएगा। हाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एक चीज़, तो आएगी इस साल। Thank you, everybody. Thank you so much. Yeah, yeah. Feeling good. I've been associated with the team for a very long time, so I'm very happy to be here. और अवार्ड नाइट्स मैं कम ही जाता हूँ, लेकिन कुछ एक जो बहुत ही ऑथेंटिक और जेन्युइन होते हैं वहाँ पे मैं जाना प्रेफर करता हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस इज़ हैपनिंग। थोड़ा आज दिन थोड़ा कठिन था सबके लिए, शायद बारिश की वजह से, बट आई थिंक शाम होते होते वी हैविंग अ गुड टाइम। सो मैं अंदर जाना चाहता हूँ जल्दी, ताकि मैं जाके देखूँ हो क्या रहा है अंदर। तेरा प्यार पगले। सो बेसिकली अनिल इज़ अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड एंड हिज एंटायर टीम आई बीन वर्किंग विद अ वाइल। प्रशांत इज़ अ डियर फ्रेंड, तो इनका न्योता आया और मेरे पास अच्छे कपड़े थे, तो मैंने कहा कि एक बार प्रेजेंट करता हूँ अपने आप को। अवार्ड्स इम्पोर्टेंट होते हैं, बट मोटिवेशन तो अंदर से आना चाहिए, है ना। केवल अवार्ड्स के आधार पर हम मोटिवेशन ढूंढेंगे तो अधूरे रह जाएंगे। अभी अभी मैंने टीवी पे कुछ ख़त्म किया है, एक अमेज़ॉन मिनी टीवी के लिए कुछ और शूट करके रखा है, वो अभी मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आई थिंक इन हाँ मैंने कहा ना अमेज़ॉन के लिए कुछ काम कर रहा हूँ, तो उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ फिलहाल। यही थैंक यू, 20 साल से खड़ा हूँ आप लोगों के साथ, और थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि डायरेक्टर्स को बेचारे को इस यही टाइम मिलता है थोड़ा सा खुशी महसूस करने के लिए, क्योंकि अप्रिसिएशन सबको बहुत अच्छा लगता है, बहुत मेहनत करते हैं और कभी कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं मिलती है, तो जब मिलती है तो बहुत खुशी होती है।
Yeah, I'm so very excited. And then enjoying tonight. I can hear. How wonderful do you feel when you get such award for your work? When you work, you get appreciated by your work. How do you feel? Ah, yeah. I'm so very honored. I'm so very great today. Yeah. So very nice. Are you watching Big Boss? Are you watching Big Boss? Now. Sometimes I'm watching Big Boss. Yeah. Big Boss OTT, right? Yeah. No? Who's your favorite? Have you seen that Arman has slapped Vishal Pandey in that recent Big Boss OTT season 3? So how do you react to that? Huh? I don't understand. They're asking, have you watched Big Boss OTT? No, right? Yeah. Sometime watching Big Boss. But he doesn't know. Yeah. Sorry. Thank you. यहाँ पे प्रोग्राम में मैं फर्स्ट टाइम आया, मेरे को कुछ आइडिया बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है ओटीटी में, इसमें हमें बुलाया गया एंड आई एम गिविंग द अवार्ड टू समवन जो मेरा बहुत फेवरेट राजकुमार राव. सो मैंने कुछ दिन पहले उसके लिए गाना गाया था जानसन गुलाब में. ना अभी नहीं, अभी बहुत सारे लोग, कितने खूबसूरत लड़कियाँ अभी आई हैं. बस ना अभी ठीक है. मैम यहाँ पे
It's always good to be an award show because जो काम किया है उसका reward मिलता है. We always look forward to and it's a nice initiative. Delhi awards हमेशा होते हैं. We all love it and you know, हाँ nominated हूँ sets के लिए तो feels good. मेरा nomination इसमें ताज series के लिए है एंड सेट डिज़ाइन के लिए है तो ऑब्वियसली बहुत मेहनत लगी है उसे बनाने के लिए. और जब रिवॉर्ड मिलता है या तो यू नो एक्सपेक्ट मिलने नॉमिनेट भी होते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है. तो समथिंग वी लुक फॉरवर्ड टू इन द एंड ऑफ इतना जब काम करते हैं. फिल्म आने वाली है आगे लेकिन अभी नहीं मैं बता नहीं सकता. बता नहीं यहाँ पे सामने यहाँ पे नीचे लुकडाउन I'm very excited to be here. It's always amazing to celebrate the great artists and talent of India. So just super looking forward to see it. It's hard to choose one, so let's see. I'll just have it as a surprise. Thank you so much. Excited to see you all win the award. I'm rooting for everybody. Very, very excited to be here. Thank you. Anji. Thank you. बहुत बढ़िया यार. I'm very excited. देखते हैं और शो में काम करके भी बहुत मज़ा आया. Response बहुत अच्छा था. लोगों ने बहुत प्यार दिया.
अभी आई डोंट नो व्हाट वी आर नॉमिनेटेड. आई थिंक द शो इज नॉमिनेटेड बट लेट्स सी. लाइक आई एम नॉट टू श्योर अबाउट द नॉमिनेशन. मैंने अभी एक शो किया इंडस्ट्री दैट्स गोना कम आउट नाउ. उसका सीजन टू कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. ग्रेट. थैंक यू. सर यहाँ पे सामने देखिए. यहाँ पे सर यहाँ पे सर यहाँ पर आप लोग जो मुझे जानते नहीं है, मेरा नाम राहुल जतिन है. मैं एक सिंगर सॉन्ग राइटर हूँ. मेरा एक नया गाना आया है शॉपिंग आज ही. आप लोग ज़रूर देखेगा. पंजाबी गाना है, अच्छा लगेगा. Okay, yeah.